mono and disaccharides, they form different types of ozone crystal. They vary in their shapes. Okay. And actually these crystals have different melting points and shapes. Okay. Here actually monosaccharides gives the same crystalline ozone on hot, while reducing disaccharides like lactose and maltose, they give different crystalline shapes, and because their temperature variation matters a lot, so under cold condition they give different types of ozone. See, you can this can be very clear with this picture that maltosazone, you can see maltose sugar forms this type of crystals and lactose sugar forms this type of spikes crystals, while glucosazone forms, see, spindle shape different types of crystals. तो आप लोग भी लैब में ये टेस्ट कर सकते हैं जहां पर आप माल्टोज लैक्टोज और ग्लूकोज के क्रिस्टल बनाकर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्कोप के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं और उसमें डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा, ये क्लियर हो गया आपका ओसाजोन फॉर्मेशन? हेलो. यस मैम. यस मैम. ओके ओके. तो नेक्स्ट है आपके मिनरल एसिड्स. यहाँ पर आपके जो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड्स होते हैं ना, एग्जाम्पल है आपका SO4, बेसिकली दे लीड्स टू डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर्स, है ना. बेसिकली पेंटोजेस और मिथाइल पेंटोजेस गिव्स फर्फ्यूरल एंड मिथाइल फर्फ्यूरल. जब हम हॉट SCL से और एल्डोजेस को ट्रीट करते हैं तो हमें हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल मिलते हैं. ये सारी टेस्ट हम लैब में करके देख सकते हैं. हम क्या करें, हम शुगर का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें थोड़ा सा वार्म एससीएल डाल देंगे तो हमें ब्राउन कलर का फर्फ्यूरल मिल जाएगा. ओके. अनादर अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हमें पेंटोजेस को हेक्सोजेस से अलग करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है कि 6 कार्बन शुगर है, परफ्यूरल टेस्ट लगा सकते हैं. हम वार्म डाइल्यूट एसिड जब हम उसमें डालते हैं तो हमें परफ्यूरल मिलता है जो कि ब्राउन कलर का होता है. तो आप लोगों को पता है पेंटोजेस में बेसिकली अल्फा डी राइबोज होता है जो कि डीएनए और आरएनए का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, और आपका ज़ाइलोज होता है जिसको वुड शुगर भी बोलते हैं. ये बेसिकली कॉर्न में प्रेजेंट होता है या वुडी मटेरियल में प्रेजेंट होता है. एक और मोनोसेक्राइड होता है पेंटोजिस का, वो होता है अरेबिनोसिस. अरेबिनोसिस को बेसिकली पेक्टिन शुगर बोलते हैं क्योंकि इसका जो कंटेंट, हाई कंटेंट है, वो पेक्टिन्स में मिलता है, जैसे कि गम्स, है ना, एंड सेवरल ग्लाइकोसाइड्स, उसमें आपको अरेबिनोसिस देखने को मिलते हैं. अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें हेक्सोजेस की, तो इन बेसिकली हेक्सोजेस नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि ये 6 कार्बन एटम शुगर्स होती हैं और ये फ्री होती हैं. फ्री दैट मींस किसी डेरिवेटिव के फॉर्म में नहीं होती. जनरली आप ग्लूकोज देखेंगे तो वो फ्री ग्लूकोज होता है, पाउडर फॉर्म में मिल जाता है आपको. और जब ये कंबाइंड होते हैं तो ये ओलिगो और पॉलीसेकेराइड, है ना. जब हम ग्लूकोज आपस में लिंक हो जाता है तो या तो वो ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसेकेराइड बनाता है, और ये अभी हम देखेंगे और फर्दर पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल्स में. यहाँ पर टू ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, मोनोसेकेराइड्स को या हेक्सोजेस को, एंडोहेक्सोजेस, उसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज, और दूसरा आपका कीटोहेक्सोजेस. ओके. तो एल्डोहेक्सोजेस आपने अभी बहुत सारा भी आपने पढ़ा है पिछले क्लासेस में. अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है. आप ये बोट शेप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये आप पायरेनोस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं या लीनियर चेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं. ये आपकी खुशी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रेफर करें. यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज और मैनोज में, सिर्फ डिफरेंस HOH ग्रुप का है. मैनोज में एक OH ग्रुप ऊपर फ्लिप होता है, ग्लूकोज में नीचे होता है, अगर आप कार्बन में देखें तो, है ना. तो सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी दे ऑल आर सेम. अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में जो फर्स्ट OH ग्रुप है उसका डिफरेंस है, एक में डाउन होता है, एक में अप होता है. ऐसे सिमिलरली अल्फा डी गैलेक्टोज और
अल्फा एल गैलेक्टोज में भी डिफरेंस सिर्फ आपका ओएच ग्रुप का है, एक में अप होता है एक में डाउन होता है। तो ये आप थोड़ा सा अगर इसको देखें स्ट्रक्चर को बहुत माइन्यूट ऑब्जर्व, तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिर्फ एच और ओएच ग्रुप की पोजीशन से आपके जो मोनोसैकेराइड्स हैं या हेक्सोजेस हैं वो वेरी करते हैं। ओके तो अगर मैं बात करूं आपको अल्फा डी ग्लूकोज का, जो कि आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट डेक्सट्रोज का, कोई बता सकता है डेक्सट्रोज हम कहां यूज करते हैं? डेक्सट्रोज मैम वो ड्रिप चढ़ाते हैं पेशेंट को? बिल्कुल करेक्ट ड्रिप जब चढ़ाते हैं तो वो नॉर्मल ग्लूकोज नहीं होता है, वो डेक्सट्रोज होता है, ठीक है, डी अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म में होता है, तो उसको कहते हैं डेक्सट्रोज। और इसके अलावा आप कहीं पर भी डेली में डेक्सट्रोज नहीं देखेंगे, सिर्फ डॉक्टर से जब आप एडमिट होंगे तो वो आपको ड्रिप चढ़ाते हैं डेक्सट्रोज की, है ना, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने के लिए ना, इंक्रीज करने के लिए। हाँ, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करने के लिए, या ये कहें डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बॉडी को, है ना, रिकवर बैक करने के लिए डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन चढ़ाते हैं। और आपको अगर मान लो आप में से कोई आईसीएमआर की एग्जाम्स देता है तो वहां पर ये भी पूछते हैं, आईसीएमआर जेआरएफ अगर आप देने में इंटरेस्टेड हैं तो आईसीएमआर, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है, वहां पर ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि भाई आपको अगर एक होता है आपका नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं, है ना, उसमें सलाइन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डेक्सट्रोज जो देते हैं उसमें पूरा तो डेक्सट्रोज भरा नहीं रहता, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है, आई थिंक 5% होता है, बट एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा इसे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेक्सट्रोज, है ना। ग्रेप शुगर में भी अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ब्लड शुगर में जो आपका मेन, तो कमाल हो गया बहुत बहुत, मतलब ओम फट स्वाहा हो गया है तो। मैम हेलो मैम, हेलो मैम, भाई इतना सन्नाटा, कोई कुछ तो बोलो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हेलो नो ऑडिबल नहीं है, नो मैम चैटिंग सर टेम्सुलोसिन खत्म हो गई है ना तेज गोली के साथ? खाना पानी